नरेंद्र मोदी जिनका डंका देशी नहीं दुनिया में बसता है युद्ध की स्थिति में सबकी उम्मीद भरी नजरें भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ उठती है जी7 जैसे तमाम बड़े-बड़े आयोजनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रित किया जाता है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पीएम मोदी को बॉस कहते हैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पीएम मोदी के ऑटोग्राफ की मांग करते हैं इतना ही नहीं पापुआ गिनी के प्रधानमंत्री तो पीएम से मिलते ही उनके पैर छूते हैं दुनिया में पीएम जहां भी जाते हैं उनके हर उम्र के फैंस मोदी मोदी चिल्लाते हैं तो आखिर भारत में क्यों पीएम मोदी का विरोध किया जा रहा है देश ही नहीं विदेश में भी कई चीजों का उद्घाटन करने वाले पीएम मोदी का भारत में नए संसद भवन के उद्घाटन करने पर विरोध क्यों आखिर क्यों उन्नीस विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह के बायकॉट का ऐलान कर दिया और क्यों विपक्ष चाहता है कि इस नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करे तो चलिए विस्तार से बताते हैं नमस्कार आज की खबर में आपका स्वागत है मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा भारत का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट यानी नया संसद भवन तेईस महीने में बनकर तैयार हो गया है जिसका अट्ठाईस मई को उद्घाटन होना है इसके पहले ही नई राजनीतिक बहस छिड़ गई है विवाद इस बात का है कि नई संसद भवन का उद्घाटन किसे करना चाहिए दरअसल केंद्र सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे तो वहीं विपक्ष इसका विरोध कर रहा है कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस आरजेडी समेत तमाम विपक्षी दलों ने इसे असंवैधानिक बताया है विपक्ष का कहना है कि संविधान के अनुसार भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नई संसद का उद्घाटन करना चाहिए जिसके चलते कुल उन्नीस विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह का बाइक किया साथ ही अब इसे कई नजरिए से देखा भी जा रहा है बात सिर्फ उद्घाटन तक नहीं रही बात विपक्षी एकता राजनीति पर आ गई है विपक्ष इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है लेकिन संविधान क्या कहता है पहले इसे समझते हैं राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है उनके पास कई तरह की शक्तियां होती हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों में कार्यकारी विधायी न्यायपालिका आपातकालीन और सैन्य शक्तियां शामिल है संसद के तहत लोकसभा यानी निचली सदन और राज्यसभा यानी ऊपरी सदन आते हैं इसका मुख्य काम विधान बनाना है संविधान का अनुच्छेद उन्यासी कहता है कि देश के लिए एक संसद होगी इसमें राष्ट्रपति और दो सदन राज्यसभा और लोकसभा शामिल होंगे भारतीय संविधान में साफ है कि संसद में राष्ट्रपति और सर्वोच्च विधायिका के दो सदन राज्यसभा और लोकसभा शामिल है आर्टिकल 87 कहता है कि प्रत्येक संसदीय सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करेंगे अब इस बहस में भाजपा का सिर्फ इतना कहना है कि विपक्ष बेवजह विरोध कर रहा है विपक्ष ने कोविड के दौरान भी वैक्सीन का विरोध किया था तो वही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति के हाथों तो होना चाहिए कांग्रेस का कहना है कि यह संवैधानिक रूप से कतई गलत है कि संसद के बारे में कोई बड़ा फैसला संसद के मुखिया राष्ट्रपति को बाहर रखकर लिया जाए तो वहीं एआईएमआईएम ने भी सवाल किया है कि पीएम मोदी नई संसद का उद्घाटन क्यों कर रहे हैं पार्टी ने कहा कि पीएम को संसद का उद्घाटन क्यों करना चाहिए वो कार्यपालिका के प्रमुख है विधायिका के नहीं हमारे पास शक्तियों का सेपरेशन है लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन इसका उद्घाटन कर सकते थे विपक्ष तो कई तरह के आरोप लगा रहा है और अब अपने अपने स्तर पर सभी सही भी है आपको आसान शब्दों में समझाते हैं कि पक्ष विपक्ष के तर्क किस तरह से सही है प्रधानमंत्री कार्यपालिका के प्रमुख है विधायिका के नहीं यानी कानून बनाने का नहीं बल्कि कानून का पालन करवाने का अधिकार है पीएम के पास और कानून बनाने के लिए अधिकार विधायिका के पास होता है जिसमें राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा आते हैं इस लहजे से राष्ट्रपति को ही उद्घाटन करना चाहिए क्योंकि वो सर्वोच्च है यानी विपक्ष की मान जायज है पर जैसे कि ए की तरफ से भी कहा गया है कि लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन इसका उद्घाटन कर सकते थे जो दोनों सदनों के प्रमुख है तो आपको कि दोनों सदनों के प्रमुख ने ही प्रधानमंत्री को निमंत्रित किया है क्योंकि प्रधानमंत्री भी उसी विधायिका का एक अंग है जो राष्ट्रपति के आता है संसद में बैठने वाले सदनों के सांसदों ने जिसे चुनकर प्रधानमंत्री बनाया जो बीते दिनों जापान में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण समेत देश विदेश में कई चीजों का उद्घाटन कर चुके हैं जो दुनिया में भारत को रिप्रेजेंट करते हैं अब भारत में लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन हो रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन क्यों नहीं कर सकते हालांकि इस पर राजनीति जारी है अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर ये मांग की गई है कि नई संसद भवन का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाना चाहिए अब देखना यह है कि इस मामले में क्या नया मोड़ आता है 28 मई को भव्य नई संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है नई संसद भवन को बनाने में करीब एक आ, करीब 1200 करोड़ रुपए का खर्च आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी और अब वही इसका उद्घाटन कर रहे हैं उद्घाटन तक क्या कुछ उठापटक देखने को मिलती है क्या कुछ राजनीति देखने को मिलती है ये तो वक्त ही बताएगा और हम आपको अपडेट करते रहेंगे आप देखते रहिए आज की खबर